क्या हुआ जब अयोध्या में आई राम सेना। दोस्तों, राम मंदिर का भव्य उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को होने जा रहा है और इस दिन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जाएगा। जैसे जैसे राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे अयोध्या में चमत्कार बढ़ते ही जा रहे हैं। मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था कि जटायु अपने सेना के साथ अयोध्या पहुंच गए हैं। अब इस वीडियो में एक ऐसा ही आश्चर्यजनक चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, कई लाखों साल पहले जीवित जामवंत जी की सेना भी भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंच चुकी है। आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा या फिर आप कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है। तो आइए हम बताते हैं कि ये कहानी बिल्कुल सत्य है। अयोध्या में 22 जनवरी के महोत्सव को देखने के लिए जामवंत की सेना भी पहुंच चुकी है। सतयुग में ब्रह्मदेव के आश्रमों से पैदा हुए थे जामवंत। जामवंत महाशक्तिशाली थे, बड़े बलवान थे। उन्होंने 7 अवतारों की सेवा की और ये 7 अवतार जो कि श्री हरि विष्णु के हुए थे, उनको अपने नेत्रों से देखा। सोचिए, कितने विद्वान, कितने बड़े बलवान, कितने बड़े शक्तिशाली वीर थे जामवंत। भगवान श्री राम का जब जन्म हुआ तो जामवंत जी ने उनकी सेवा की थी। जामवंत जी भगवान श्री राम के लीगल एडवाइजर के रूप में जाने जाते हैं। जामवंत की मृत्यु का विवरण कहीं नहीं मिलता। किसी भी पुराण में, किसी भी ग्रंथ में, किसी भी रामायण में ये नहीं लिखा कि जामवंत जी की मृत्यु हो गई थी। वो स्वयं तपस्या के लिए चले गए थे और अनंत काल तक हिमालय के क्षेत्र में तपस्या कर रहे हैं। और वही समय अब नजदीक आ गया है, क्योंकि जब भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ तब देवतागण अयोध्या में आए थे। लेकिन अब वही उत्सव, क्योंकि भगवान श्री राम अपने मंदिर में विराजमान होंगे, वो समय 22 जनवरी दोस्तों ज्यादा दूर नहीं है। वो समय अब नजदीक आ चुका है। उस दिन भगवान श्री राम अपने मंदिर में विराजमान होंगे तो अपने प्रभु के दर्शनार्थ करेंगे। आपको बता दें कि भालू की एक टुकड़ी भी अयोध्या पहुंच चुकी है। बहुत से पत्रकारों ने दिखाया है कि अयोध्या के आसपास भालू का एक विशाल समूह देखा गया है। बंदरों की बात करें तो वानर सेना तो अयोध्या में पहले से ही थे। हनुमानगढ़ी नामक एक पावन मंदिर और उस मंदिर के आसपास हजारों की संख्या में वानर देखे जा सकते हैं। वानरों की कई जातियां हैं। जो हनुमान जी की श्रेणी के वानर हैं, वो इस समय चित्रकूट से अयोध्या पहुंच गए हैं। अब भगवान श्री राम अपने गर्भगृह से स्थापित मंदिर में विराजमान होंगे। अयोध्या में पूरे तरीके से महोत्सव मनाया जाएगा, तो वहीं अगर आपको भी अयोध्या जाने का मौका मिले तो जरूर जाएं। अयोध्या में महात्मा जटायु पहुंच चुके हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि सन 2000 के बाद से ही कहीं भी गिद्ध दिखाई नहीं देते थे। अचानक 23 साल बाद अयोध्या नगरी में गिद्धों का झुंड पहुंच गया है। लोग कह रहे हैं कि साक्षात जटायु है। भगवान श्री राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए जटायु आए हैं। अयोध्या से जटायु जी के प्रवेश की ये बड़ी खबर मिल रही है और ये खबर जैसे ही लोगों तक पहुंची, ट्विटर पर वायरल हो गई। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इसको लेकर ट्वीट करते दिखाई दिए। इसके अलावा बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी इस पर वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ी खबर है, जटायु का अयोध्या पहुंचना। यदि आप भी सच्चे हिंदू हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें और ऐसी ही अनसुनी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।